नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनजीत सिंह, हिम्स हॉस्पिटल डेराबसी चंडीगढ़ से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीकेडी में ब्लड यूरिया के बारे में। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो ब्लड यूरिया की रिपोर्ट के साथ बोलते हैं कि मेरे को ब्लड यूरिया 250 है, मेरा ब्लड यूरिया 150 है, मुझे उल्टी जैसे सिम्टम आ रहे हैं, मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे खाना खाने के बाद पेट भर जाता है, मुझे हिचकियाँ आती हैं, मुझे इंडाइजेशन का इशू हो गया है, मुझे स्किन पे खुजली हो गई है, मुझे रैशेज हो गए हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि ब्लड यूरिया है क्या। ब्लड यूरिया, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 45 तक होनी चाहिए, ये हमारा लीवर बनाता है, ये हमारे लीवर का वेस्ट प्रोडक्ट है, इसे हम वेस्ट भी नहीं बोलेंगे। अगर ये 45 तक है तो ये हमारी बॉडी में असरदार है, यानी कि हमारी बॉडी की किसी न किसी प्रोसेस में, किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा है, मान लो अगर एक कमरे में 10 बेड हैं और अगर उसमें मैं 20 बेड लगा दूँ तो उस कमरे में सफोकेशन हो जाएगी। वैसे ही हमारा लीवर है, अगर उसमें जो नॉर्मल चीज़ 45 होनी चाहिए, अगर वो 200 हो जाए तो लीवर में स्पेस नहीं रहेगा। तो जिसके चलते लीवर का जो मेन काम है, प्रोटीन को सिक्रीट करना, एंजाइम्स को सिक्रीट करना, जूसेस को सिक्रीट करना, जो कि डाइजेशन की हेल्प में मदद करेंगे, ठीक है, तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसके चलते पेशेंट को ये सब सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। तो हमने उस केस में करना क्या है, हमने उस केस पे अपनी लीवर पे काम करना है। प्रॉब्लम वो किडनी की है, इट डज नॉट मीन कि सिर्फ वो किडनी को ही ठीक करके काम मिलेगा, हमने अदर एक्टिविटीज, अदर ऑर्गन की पार्टिसिपेशन को भी देखना है कि लीवर कितना इन्वॉल्व है, मांसपेशियाँ कितनी इन्वॉल्व हैं, हमारा यूरिक एसिड का कंटेंट कितना है, उन सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो उस केस में हमने लीवर को कैसे डिटॉक्सिफाई करना है, उसके लिए मैं कुछ ऐसे हर्ब्स बताने वाला हूँ आपको, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे अगर आपका ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है। ब्लड यूरिया के अलावा जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो भी इनको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि लीवर के लिए सबसे बेस्ट है मकोए, भूमि अमल की, पुनर्नवा, ये तीन ऐसी हर्ब्स हैं, अगर आप इसका काढ़ा बना के भी पीते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप उसमें दालचीनी, धनिया बीज और साथ में अजवाइन और गिलोय, आप अगर इनका इस्तेमाल करते हो, आप इसको काढ़े के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको पाउडर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होगा, जैसे ही आपका लीवर क्लीन होगा उसके अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होना शुरू होंगे। क्योंकि मैंने जो आपको ये इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जैसे पुनर्नवा है, उसमें वो रेजुविनेशन की इतनी अच्छी पावर रखता है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, वो डायूरेटिक है, यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो अपने आप में जब टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, जो गंदगी है, ब्लड यूरिया गंदगी बन चुका है, वो जब ड्रेन होगा बॉडी से, लीवर का स्पेस खाली होगा, तो लीवर के जो इंडाइजेशन जैसे सिम्टम हैं, जो भी पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं, उसमें राहत मिलेगी। थैंक यू सो मच।